फ्रेंड्स के लिए आज बनाते हैं आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। सबसे पहले क्या करना है, आप 3 आलू लेना और उनमें थोड़ा सा पानी डालना प्रेशर कुकर में, और गैस जलाकर कुकर को गैस पे रख देना और उसमें 2-3 मिसल आने तक आलू को बॉईल कर लेना। जब आलू आपके बॉईल्ड हो जाएंगे तो फिर उन्हें छील लेना और छील कर काट लेना। फिर शिमला मिर्च लेना आप, और शिमला मिर्च को भी अच्छे से धोकर चॉप कर लेना। इस तरह से इसका पीछे वाला पार्ट है उसे निकाल देना और इसके बीच भी निकाल देना, और फिर इसे मीडियम साइज़ में चॉप कर लेना। बहुत ज़्यादा छोटे मत करना, बस ठीक ठीक कर लेना चॉप। फिर आप एक टमाटर लेना, उसको भी बारीक चॉप कर लेना। फिर गैस ऑन करना और गैस के ऊपर एक पैन रखना, और उस पैन में 1 टेबल स्पून सरसों का तेल डालना। और जब तेल खूब गर्म हो जाएगा तो फिर उसमें थोड़ी सी हींग डालना। जब हींग चटक जाएगी तो उसमें थोड़ा सा जीरा डालना, जीरे को भी चटकने देना। जब जीरा चटक जाएगा तो उसमें टमाटर डालना, कटे हुए जो हमने टमाटर काटे थे ना वो डाल देना, और फिर उन्हें थोड़ा सा सॉटे करना, चला लेना। जब टमाटर आपके हल्के से गल जाएंगे तो फिर उसमें शिमला मिर्च डाल देना, जो कटी हुई शिमला मिर्च हमारी, और शिमला मिर्च डालकर उसमें थोड़े से मसाले ऐड कर लेना। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना, थोड़ा सा मिर्ची डालना, थोड़ा सा धनिया डालना और थोड़ा सा नमक डालना, और इन्हें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना, चला लेना 2-3 बार। और ये सब आपको मीडियम फ्लेम पे ही करना है, फ्लेम को बहुत तेज़ मत रखना, मीडियम फ्लेम करना और रखना, और फिर से ढककर थोड़ी देर के लिए गलने देना शिमला मिर्च को। जब आपकी शिमला मिर्च गल जाएगी 2 मिनट बाद, हल्की सी हाफ डन हो जाएगी, तो फिर आप उसका ढक्कन हटाकर उसमें आलू, जो बॉयल्ड आलू थे ना कटे हुए, वो डाल देना और उन्हें मिक्स कर लेना अच्छी तरह से, जिससे सारे मसाले मिक्स हो जाएं। और 2-3 मिनट तक उन्हें भून लेना खूब अच्छे से मीडियम फ्लेम पे, और फिर उसे ढक देना। ढक कर उसे 2 मिनट के लिए और पकाना। जब वो पक जाएगी, सारे मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो फिर ढक्कन हटा लेना आप, और उसमें हल्का सा अमचूर पाउडर डालना और थोड़ा सा गरम मसाला डालना। उन्हें डाल के तो अच्छे से मिक्स कर लेना, फिर एंजॉय करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय।